Hello everyone, this is the sixth lecture of Laplace. Today I am going to tell you, in this lecture we will do the division effect of t ka division effect. ठीक है, जैसे यहां पर बच्चों आपको लैपलेस निकालना आ जाए, लैपलेस ऑफ e रेज टू पावर माइनस एटी माइनस साइन e रेज टू पावर माइनस बी टी अपॉन टी. आई वॉन्ट टू फाइंड आउट लैपलेस ऑफ दिस. अब कैसे निकालोगे इसका लैपलेस? सबसे पहला काम क्या होगा? लैपलेस ऑफ e रेज टू पावर माइनस एटी e रेज टू पावर माइनस बी टी. फर्स्ट ऑफ ऑल we will find out Laplace of e raised to power minus at, e raised to power minus bt. Now, Laplace of e raised to power minus at is 1 upon s minus minus a. Laplace for e raised to power at is 1 upon s minus a. The Laplace of e raised to power minus at is 1 upon s minus minus a. प्लस वन अपॉन एस माइनस माइनस बी. ठीक है, आपने लैपलेस ऑफ ई रेस टू पावर माइनस एटी भी निकाल ली है, लैपलेस ऑफ ई रेस टू पावर माइनस बी टी भी निकाल ली है. इतना करने के बाद लैपलेस ऑफ ई रेस टू पावर माइनस एटी वन अपॉन एस प्लस ए माइनस बी टी वन अपॉन एस प्लस बी, दोनों के लैपलेस आ गए. नाउ लैपलेस ऑफ ई रेज टू पावर माइनस एटी माइनस बी टी अपॉन टी, जब इसको अपॉन टी करा तो कितना आया? इंटीग्रेशन वन अपॉन एस प्लस ए वन अपॉन एस प्लस बी. अब क्या आ जाएगा बच्चों? जीरो टू इन्फिनिटी, जीरो टू इन्फिनिटी, जीरो टू इंफिनिटी, वन अपॉन एस प्लस ए, इसको ऊपर लेके जाओ, लॉग ऑफ एस प्लस ए लॉग ऑफ एस प्लस बी, जीरो टू इंफिनिटी. ये आपने इसका इंटीग्रेशन कर दिया. अब लिमिट कहां से कहां तक है? जीरो टू इन्फिनिटी. ठीक है, मीन्स जब भी कभी आप टी से मल्टीप्लाई करोगे तो डिफरेंशिएट होगा, जब टी से डिवाइड करोगे तो इंटीग्रेट होगा. दोबारा सुन लो, जब टी से मल्टीप्लाई करोगे तो डिफरेंशिएट होगा, जब टी से डिवाइड करोगे तो इंटीग्रेट होगा. तो यहां पे टी से डिवाइड हो रहा है, उसका इफेक्ट क्या हो गया कि इसका इंटीग्रेशन हो गया जीरो टू इंफिनिटी. जीरो टू इंफिनिटी होता है, और एस टू इंफिनिटी. लॉग एम लॉग, अच्छा बीच में माइनस साइन था ना, बीच में माइनस साइन था, तो लॉग एम माइनस लॉग एन क्या हो जाएगा? लॉग एम बाय एन, log m by n कहां से कहां तक? s से लेकर इंफिनिटी तक. log m by n कहां से कहां तक? s से लेकर इंफिनिटी तक. अब यहां पे क्या होगा? द वेरी फर्स्ट स्टेप, अब इधर मैं इसको कर रहा हूं, अब यहां पे एक काम कर रहे हैं, अगर आप यहां पे पुट करोगे ना एस की जगह पर इंफिनिटी, तो क्या आ जाएगा? इंफिनिटी प्लस ए इंफिनिटी प्लस बी, क्या आ जाएगा? इंफिनिटी अपॉन इंफिनिटी आ जाएगा. तो इससे बचने के लिए क्या करेंगे हम? यहां पे देखो बच्चों, इससे बचने के लिए हम क्या करेंगे? लॉग ऑफ एस
बाहर कॉमन निकाल लो, वन प्लस ए बाय एस, एस कॉमन निकाल लो, वन प्लस बी बाय एस, एस से एस कट गया, फ्रॉम एस टू इन्फिनिटी, फ्रॉम एस टू इन्फिनिटी, ठीक है। अब इधर जब इन्फिनिटी पुट कर देंगे तो लॉग वन प्लस दिस इज ए अपॉन इन्फिनिटी और वन प्लस बी अपॉन इन्फिनिटी, माइनस जब एस करेंगे तो लॉग ऑफ एस प्लस ए, एस प्लस बी, समथिंग अपॉन इन्फिनिटी क्या होता है बच्चों, जीरो। समथिंग अपॉन इन्फिनिटी क्या हो जाएगा, जीरो। लॉग ऑफ वन माइनस लॉग ऑफ एस प्लस ए ओवर एस प्लस बी। लॉग वन की वैल्यू क्या होती है बच्चों, जीरो होती है। लॉग वन की वैल्यू होगी जीरो माइनस लॉग ऑफ एस प्लस ए, एस प्लस बी, ठीक है। हमारा नेट आंसर क्या आ गया, माइनस लॉग ऑफ एस प्लस ए, एस प्लस बी, यही है ना। ये माइनस साइन चाहो यहां तक छोड़ दो, फुल मार्क्स आएंगे। अगर एक स्टेप करना चाहते हो तो और कर लो, माइनस साइन को ऊपर ले जाओ, यू नो, अगर जो m log n हो तो log n रेज टू पावर m भी बन जाता है, इसकी पावर माइनस वन यहाँ आ गई, और ये माइनस वन इसको उलट देगा, इसका आंसर आ जाएगा log of s plus b over s plus a, the required answer. This is the required answer. Any doubt? शुरू से दोबारा एक्सप्लेन कर रहा हूं। ये था क्वेश्चन बच्चों, फाइंड द लैपलेस ऑफ दिस। आज हम स्टडी कर रहे हैं इफेक्ट ऑफ डिवीजन बाय टी, आज हम स्टडी कर रहे हैं इफेक्ट ऑफ डिवीजन बाय टी। अगर मैं टी से डिवाइड करना है, लैपलेस ऑफ ई रेस टू पावर माइनस ए टी माइनस ई रेस टू पावर माइनस बी टी, तो ई रेस टू पावर माइनस ए टी का लैपलेस वन अपॉन एस प्लस ए, e raise to power minus bt का लैपलेस 1 upon s plus b, 1 upon s minus अगर होता ना e raise to power plus at, तो 1 upon s minus a होता, अब 1 upon s minus minus a, s plus a, अब 1 upon s plus a, s plus a, log of s plus a, log of s plus b, log m minus log n, log m by n, तो आ रहे सिग्नल या नेटवर्क के, log m by n s to infinity, अब s को बाहर कॉमन निकाला, s से s कट गया, पुट करा infinity, something upon infinity, आंसर आ गया जीरो, तो log वन बचा, फिर पुट करा s, LCM लिया, तो देखो s पुट करोगे LCM लोगे, s से s कटेगा वही का वही आ जाएगा, सेम सिचुएशन आ जाएगी। अब ये log वन तो जीरो हो गया, यहाँ माइनस आ गया, ये माइनस साइन ऊपर चला गया, और ऊपर जाकर ये आपका आंसर आ गया log of s plus b over s plus a। ये इतना पोर्शन इसके बाद करा है हमने, ठीक है ना, इसके बाद करा है हमने ये वाला पोर्शन, इसके बाद हमने ये किया, ठीक है। क्या सबको समझ आ गया है, से यस, समझ आ गया आपको। दीपक शर्मा, केशव थापा, लैम्डा, मनीष, राज भट्ट, मिथुन कुमार, राज सलमानी, रोहित कुमार, सोनिया, शशि रंजन, विशाल रे, सबको समझ आ गए क्या, सबको समझ आ गया, से यस अगर समझ आ गया है तो, से यस इन चैट बॉक्स, जस्ट से यस, ओके। मतलब कि बेसिकली हो क्या रहा है, व्हेनेवर यू डिवाइडेड बाय टी you will integrate from s to infinity, and whenever you multiply it by t you have to differentiate, you have to differentiate, theek hai। I hope sabko clear hai, let me start next question। bachcho
आपकी क्लास में संडे को भी ले सकता हूँ, अब तो घर से लेनी है, ठीक है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैं चाहूँ तो आपकी क्लास कितने बजे भी ले लूँ, अब तो फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ गई है ना। आई कैन टेक योर क्लास इन द मॉर्निंग, इन द इवनिंग, रात को 10 बजे ही पढ़ा सकता हूँ। आपको अपने घर से क्लास तो अटेंड करनी है, ठीक है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। इट इज द बेस्ट, इट वुड बी द बेस्ट वे, इट इज द पॉजिटिव साइड इफेक्ट ऑफ कोरोना। कोरोना का पॉजिटिव इफेक्ट है कि हम कभी भी लेक्चर ले सकते हैं, किसी टाइम भी ले सकते हैं। लैपलेस ऑफ साइन ऑफ 80 अपॉन टी, लैपलेस ऑफ साइन ऑफ 80 अपॉन टी, लैपलेस ऑफ साइन ऑफ 80, दिस इज ए अपॉन एस स्क्वेयर ए स्क्वेयर, लैपलेस ऑफ साइन ऑफ 80 अपॉन टी, क्या होगा इसका इफेक्ट, एस से लेकर इन्फिनिटी ए अपॉन एस स्क्वेयर ए स्क्वेयर। नाउ टेक दैट ए कॉमन आउटसाइड, एस टू इन्फिनिटी डी एस ओवर एस स्क्वेयर ए स्क्वेयर, ए बाहर, एस टू इन्फिनिटी डी एस ओवर एस स्क्वेयर प्लस ए स्क्वेयर। नाउ दिस इज टेन इनवर्स एस अपॉन ए, वन अपॉन ए टेन इनवर्स एस अपॉन ए, फ्रॉम बाहर कितना चल रहा था बच्चों, ए, ए से ए कट गया, एस टू इन्फिनिटी टेन इनवर्स इन्फिनिटी माइनस टेन इनवर्स एस अपॉन ए, टेन इनवर्स इन्फिनिटी, बताओ इन्फिनिटी क्या होगा, टेंजेंट ऑफ पाई बाय टू, टेंजेंट ऑफ पाई बाय टू, बताओ टेन इनवर्स टेन कट गया, टेन इनवर्स एस अपॉन ए, टेन इनवर्स टेंजेंट ऑफ पाई बाय टू, आंसर आ गया पाई बाय टू माइनस टेन इनवर्स एस अपॉन ए। बताओ 90 माइनस थीटा, टेन इनवर्स एक्स प्लस टेन इनवर्स एक्स प्लस कोट इनवर्स एक्स पाई बाय टू, पाई बाय टू माइनस टेन इनवर्स एक्स, आंसर आ गया कोट इनवर्स एक्स कोट इनवर्स एस अपॉन ए, द रिक्वायर्ड आंसर। बच्चों एक प्रॉपर्टी थी जब आप 12th क्लास में थे कि टेन इनवर्स एक्स प्लस कोट इनवर्स एक्स पाई बाय टू होता है, तो अब यहाँ पे पाई बाय टू माइनस टेन इनवर्स एस अपॉन ए क्या होगा, कोट इनवर्स एस अपॉन ए, क्योंकि टेन इनवर्स एक्स प्लस कोट इनवर्स एक्स पाई बाय टू, तो पाई बाय टू माइनस टेन इनवर्स एक्स क्या होगा, कोट इनवर्स एक्स। ये आपकी 12th क्लास में इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटी थी, उसी का यूज किया है, पाई बाय टू माइनस टेन इनवर्स एक्स कोट इनवर्स एस बाय ए। टेल मी एनी डाउट, टेल मी एनी डाउट, अगर किसी को कोई भी डाउट है तो बता दो, काइंडली टेल मी एनी डाउट, है कोई डाउट किसी को, बच्चों कोई डाउट किसी को है तो बता दो, एनी डाउट, नो डाउट, मतलब कि जब भी कभी हम टी से डिवाइड कर, टी से मल्टीप्लाई पे डेरिवेटिव होता है, टी से डिवाइड करने पे इंटीग्रेशन होता है, जिसकी लिमिट होती है एस टू इन्फिनिटी, जिसकी लिमिट होती है एस टू इन्फिनिटी, एस टू इन्फिनिटी इसकी लिमिट होती है, ठीक है।
कोट 2t माइनस कॉस 3t, कॉस 2t कॉस 3t अपॉन टी, और इसका लैपलेस लैपलेस ऑफ कॉस 2t कॉस 3t क्या होगा बच्चों? s अपॉन एस स्क्वायर टू स्क्वायर एस अपॉन एस स्क्वायर थ्री स्क्वायर। ये है लैपलेस ऑफ दिस, दिस इज लैपलेस ऑफ कॉज ऑफ टू टी कॉज ऑफ थ्री टी। ठीक है, अब इसके बाद अब क्या करेंगे बच्चों? हम अगर मैं इसको t से डिवाइड कर दूं, s टू इंफिनिटी s स्क्वायर टू स्क्वायर s अपॉन s स्क्वायर थ्री स्क्वायर, टू से मल्टीप्लाई टू से डिवाइड, टू से मल्टीप्लाई टू से डिवाइड, ds डी एस, वन बाय टू बाहर, लॉग ऑफ एस स्क्वायर टू स्क्वायर माइनस। देखो जब कभी नीचे फंक्शन हो ऊपर उसका डेरिवेटिव हो तो क्या होता है? लॉग ऑफ फंक्शन होता है। तो यहां से लॉग ऑफ फंक्शन माइनस लॉग ऑफ फंक्शन। अब यहां पर 1 बाय 2 बाहर log n माइनस log n, दिस इज 1 बाय 2 log ऑफ m बाय n और लिमिट कहां से कहां तक है? फ्रॉम s टू इंफिनिटी। एक्चुअली आप सबको पता होगा अगर मुझे इसका इंटीग्रेशन करना है एस स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या होगा? 2s, और 2 का डेरिवेटिव क्या होगा? 0, 2 स्क्वायर का। अब इसका डेरिवेटिव ऊपर 2s आ गया, जब कभी नीचे फंक्शन हो ऊपर डेरिवेटिव हो तो लॉग ऑफ फंक्शन, नीचे फंक्शन ऊपर डेरिवेटिव लॉग ऑफ फंक्शन। मैंने खुद ही 2 से डिवाइड 2 से मल्टीप्लाई इसीलिए किया था ताकि नीचे फंक्शन हो ऊपर डेरिवेटिव हो, तो जब कभी नीचे फंक्शन हो लाइक ये फंक्शन है एस स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर ऊपर डेरिवेटिव है 2s, whenever there is a function in denominator and its derivative in numerator its integration is log of function, log m by n 1 by 2 s square bar 2 square s square 1 plus 3 square s square minus s put hoga, jab s put hoga to kitna hoga? Log of s square 2 square s square 3 square, put karo infinity something upon infinity, answer kitna aa gaya? 0, log 1 0 minus log of s square 2 square s square 3 square bracket ke baad 1 by 2 minus 1 by 2 ko upar leke jao, log of s square 2 square s square 3 square minus 1 by 2 को ऊपर लेके जाओ। ठीक है, अब ये माइनस साइन क्या करेगा? ये माइनस साइन इसको उलट देगा, उसको ऊपर, डिनोमिनेटर को ऊपर, न्यूमरेटर को नीचे, मतलब दिस अपॉन दिस उल्टा हो जाएगा। तो योर नेट आंसर यहां लिख दूं, log of s square 3 square s square 2 square raised to power plus 1 by 2 the required answer, the required answer, any doubt? The required answer, the required answer. क्या? नहीं, ये इंजीनियरिंग वाले बच्चे हैं,
बच्चों अभी आज इतना ही मैं करवा रहा हूँ, तो सी यू ऑन मंडे, ठीक है? इन और आपको रिकॉर्डिंग, टेल मी, क्या सबको रिकॉर्डिंग मिल गई है? 5 लेक्चर की रिकॉर्डिंग आपके मैंने ग्रुप में डाल दी है, से यस। ये 6 लेक्चर की रिकॉर्डिंग अभी भेज रहा हूँ, जो बच्चे अभी जो एब्सेंट है वो भी देख लेंगे। बच्चों क्या सबको रिकॉर्डिंग मिल गई है ना? से यस। ओके, ये वाली रिकॉर्डिंग भी मैं भेज दूंगा, सारी रिकॉर्डिंग देख लेना। इसमें पहले सारे कॉन्सेप्ट कवर हो गए हैं। विद न्यू कॉन्सेप्ट आई विल स्टार्ट द नेक्स्ट टॉपिक, ठीक है? लैपलेस अभी चलेगा, अभी लैपलेस कम से कम 10-15 दिन और चलेगा, ठीक है? आप ये सारी रिकॉर्डिंग एक बार दोबारा सुन लो, ठीक है? थैंक यू एवरीवन, थैंक्स अ लॉट, गुड बाय, गुड बाय।